हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे मनीषा राजू ब्लॉग में। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था कि राजेंद्र जी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन फिलहाल में अभी वो थोड़ा ठीक है। अभी मैंने उनको दवाई दिया था तो बुखार उतर गया है। जब मैं इनको दवाई देती हूँ तब तो ये ठीक हो जाते हैं, और तब दवाई का असर उतरते ही ऐसे कैसे हो जाते हैं। मेरे को आज कम से कम 7-8 दिन हो गया है इनको दवाई दिलाते हुए, लेकिन इनको अभी पूरा फर्क नहीं आ रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है। सुना है डॉक्टर ने बोला है कि डेंगू बुखार बन गया है, लेकिन डेंगू के भी मेरे को दवाई दिलाते हैं इनको कम से कम 8-10 दिन हो गए, अभी इनके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिलहाल में अभी 1 घंटे के लिए तो इनको फायदा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दवाई दी थी और अभी मैंने इनके लिए नाश्ता भी बनाया था, तो ये नाश्ता कर रहे हैं। फिर दोबारा दवाई लगे तो ये देखो, ये नमकीन चावल खा रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ना? मैं तो चाहती हूँ ये जल्दी से ठीक हो जाए। देखो अभी पता नहीं कितने दिनों में इनके चेहरे पे मैंने ये मुस्कुराहट देखी है। और ये तो जो बीमार हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, इनके साथ साथ मैं खुद भी इतनी बीमार हो रखी हूँ। मैं भी थोड़ी देर तो सही रहती हूँ, फिर कभी कभी घबराहट होने लगती है, फिर कभी उल्टी हो जाती है। क्योंकि आप सभी को तो पता ही है ना, मेरे को तो चलो मैं मानती हूँ कि मेरी तो कुछ वजह है होने की, इसलिए होता है। लेकिन ये जल्दी से ठीक हो जाए बस, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना, जब तक मैं ठीक नहीं होने वाली। तो इन्होंने तो कर लिया है नाश्ता और ये तो पी रहे हैं पानी। अब मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी, लेकिन थोड़ा लेट खाऊंगी क्योंकि अभी ये मन नहीं है खाने का। पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है। और आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक ना तो मैं वीडियो बना पाऊंगी और ना ही ठीक से घर में रह पाऊंगी ना अच्छे से। अगर दोस्तों आपको कुछ पता है इस बुखार के बारे में, क्या है इसमें, क्या खिलाना चाहिए ऐसा कि जल्दी ठीक हो जाए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। वैसे तो जो डॉक्टर ने बताया है वो सब मैं इनको खिला रही हूँ, और दोनों टाइम नारियल पानी दे रही हूँ, कीवी फल भी दे रही हूँ, और अभी पपीते के पत्ते का जूस भी पिलाया था मैंने। वैसे तो जो मेरे को डॉक्टर ने बताया था वो मैं सब दे रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी आपको कोई अच्छी दवा पता हो तो आप वो भी बता देना, हम वो भी दे देंगे। क्योंकि मैं इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपको तो पता है मेरे को बहुत डर लगता है, इनके अलावा मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इनका तो मेरे अलावा नहीं है और मेरे इनके अलावा नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। और दोस्तों आप लोग थोड़ा बहुत मेरे को अपने YouTube पे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी मेरा YouTube थोड़ा नीचे गिर गया है, क्योंकि टाइम पे वीडियो नहीं डलने के कारण थोड़ा नीचे गिर गया है। तो आप सभी को तो पता ही है कि हमारी तबीयत खराब होने के कारण हम YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी यूट्यूब में मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, जो भी करते हैं यही करते हैं, मेरे को नहीं आता कुछ भी यूट्यूब वूट्यूब चलाना। बस मेरा काम है वीडियो बना के देना, डालना इनका काम है। तो दोस्तों आप सभी भी अपना अपना ध्यान रखें और इस खतरनाक बीमारी से बचें, और कहीं भी धूप में ना डोले ज़्यादा, क्योंकि अभी और मच्छरों का ध्यान रखें, मच्छर काटने से बचें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप सभी लोग भगवान से दुआ करें कि हम दोनों जल्दी से जल्द ठीक हो जाए और जल्दी से हम वीडियो अपलोड कर दें। और आप सभी भी अपना ध्यान रखें, और अगर फिर भी आपको जैसे थोड़ी बहुत शिकायत हो खांसी जुकाम बुखार की, तो डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।